विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो एक तरफ बनाते जाते हैं, दूसरी तरफ मरम्मत भी खोजते रहता है। ये आप नहीं कह सकते हैं विकास इन टोटलिटी में एक दिन में हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में दूसरे चरण का मतदान जारी है। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को संपन्न हो चुका है और आज 3 नवंबर है, जहां बिहार में 17 जिलों के 94 सीटों पर सेकेंड फेज का मतदान हो रहा है। और आज भी हम पटना में खड़े हैं, पटना के बोरिंग रोड में भी हम बूथ के पास खड़े हैं। और आइए मतदाताओं से पूछते हैं कि आखिर वो 10 नवंबर को जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो किसकी सरकार बिहार में बनता देखना चाहते हैं। स्वागत है सर आपको, और आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम प्रेम कुमार झा है। तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होंगे उसमें किसकी सरकार आप बनते देखना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि सरकार जनता की हो, जनता के हित में हो, जनता सुरक्षित रहे, उनका विकास होता रहे, और साथ ही यहाँ पर जो है सो विकास तो एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे आप मकान बनाते हैं तो एक तरफ बनाते जाते हैं, दूसरी तरफ मरम्मत भी खोजते रहता है। ये आप नहीं कह सकते हैं विकास इन टोटलिटी में एक दिन में हो जाएगा। ये प्रक्रिया है, जो प्रक्रिया हम लोगों ने देखा है ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी, ऐसा उम्मीद है। पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार के जो कार्यकाल रहे हैं उसमें आपने बिहार के विकास को देखा है? जी हाँ, विकास कम बेसी पर विवाद हो सकता है, लेकिन विकास हुआ है। और विकास चौमुखी विकास के लिए अभी और उनको एक टर्म मिले तो हम समझते हैं बिहार के जनता के हित में होगा। तो आप बताइए कि अब अगला फिर से सीएम का चेहरा किसे देखना चाहते हैं? भाई अगला अगर एनडीए की सरकार बनती है तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार तो ईमानदार हैं, सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाले आदमी हैं। हम लोग मोदी जी पर विश्वास करते हैं, मोदी जी उन पर विश्वास करते हैं, तो स्वाभाविक है कि नीतीश पर अविश्वास करने का कोई तुक नहीं है। ठीक, तो आपके अकॉर्डिंग 10 नवंबर को आपके हिसाब से जी हाँ सीएम नीतीश कुमार ही होंगे? बिल्कुल होना चाहिए जी। अपना नाम बताइए। राजेश कुमार झा जी। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग आप किसको देखना चाहते हैं 10 नवंबर को जो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, सीएम कौन बनेगा फिर से? जो प्रमुख रूप से हैं दोनों जांचे परखे हुए हैं, तेजस्वी जी भी उनके पिता के रूप में 15 साल का सरकार देखा है यहाँ के लोगों ने, नीतीश जी का भी 15 साल का सरकार देखा है, और कामोबेश प्रगति की ओर नीतीश जी का ही पलड़ा भारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हीं को आना चाहिए। जांचा परखा व्यक्ति हैं, उनको ही आना चाहिए। पहले चरण के मतदान के बाद आरजेडी का भी बड़ा पलड़ा जो था वो भारी हुआ था, तेजस्वी की लहर आपको बिहार में दिख रही है? देखिए ये कहना मुश्किल है कि क्या होने वाला है, लोग आशंका जता रहे कि ये हो सकता है, और इसमें दोनों पक्ष का बराबर का योगदान आता है कि अगर वो आ सकते हैं तो नीतीश जी भी आ ही सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि नीतीश जी की सरकार बने और विकास की प्रक्रिया। मुद्दा क्या है, आप जो अभी वोट डालने जा रहे हैं आपका मुद्दा क्या है इस बार वापस आप चुनाव में जो मत अपना प्रयोग करेंगे, मुद्दा क्या है, किसकी सरकार पे आप किस मुद्दे के बेसिस पे आप उनको वोट देना चाहते हैं? दोनों सरकार का हमने प्रदर्शन देखा है जिसमें कि नीतीश जी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। कई वर्षों से लंबित जो चुनाव पंचायत स्तर का जो चुनाव था या पंचायत स्तर की सरकार थी को उन्होंने बहाल किया अपने कार्यकाल में, और भी कई ऐसे प्रगति के कार्य हैं जो उन्होंने किया है जो दिखता है। ऑब्वियस है कि हम भी चाहेंगे कि वो ही आए। आपके अकॉर्डिंग भी 10 नवंबर को आप नीतीश कुमार को सीएम बनते देखना चाहते हैं? चाहते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह अभी हम बूथ पे के सामने खड़े हैं और जनता जो है वो एनडीए के पक्ष में ज़्यादा खड़ी है और चाहती है कि फिर से नीतीश कुमार को एक बार मौका दिया जाए और नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो फिलहाल के मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए नेशन न्यूज़ को। धन्यवाद।